कि मैंने आपको दो वीडियो भेजे, उसमें आपको एनिमेशन के साथ मैंने लेसन पढ़ा। अब मैं टेक्स्ट बुक के द्वारा जो लेसन का सार है वो समझाती हूँ। तो पहले तो हम लेखक जो विष्णु प्रभाकर, उनको जानते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर के ज़िले के मीरपुर गांव में हुआ था। उनके इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य से सेवा में लग गए हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी स्मरण और रेखांकित चित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमय, उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर प्रकाश और परछाई, बार एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह, जाने अनजाने, स्मरण और रेखा चित्र, आवारा मसीहा, जो शरत चंद्र की जीवनी है आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधारक का स्वप्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के लिए केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखक को अपनी जीविका का साधन बना लिया। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उनकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वव्यापक है तथा भाषा सहज व सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नीज, यानी कि हमको जो लेसन दिया है उसका नाम है स्वराज की नीज, जो एकांकी की पाठ है। कौन सा पाठ है? एकांकी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नीज रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रस्तुत एकांकी में पात्र स्वराज की नीज के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज के नीच का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जागने में अपनी सार्थकता समझते हैं। यानी कि इस लेसन में हमको ये समझाया है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मी था बाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी दिखने को मिलती है। लेखक का उपदेश स्वराज की नीच रखने में स्त्रियों की भूमिका को दिखाना है। सचमुच इस एकांकी के पात्र स्वराज की नीच के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज की प्रति चेतना जगाने में उन्होंने योगदान को हम भूल नहीं सकते। यानी कि हमको नाटक, एकांकी नाटक के रूप में हमें लक्ष्मीबाई के साथ जो पात्र है, जैसे मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव, सेना नायक, ये सब पात्र के द्वारा हमको पूरी घटना बताई गई है। तो आइए हम पूरी घटना मैंने आपको नाटक के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा वीडियो दिखाई, अब उनको समझते हैं। तो लक्ष्मीबाई की निराशा, तो लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी
झांसी कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सैनियों के हाथ से निकल गई है। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है। झांसी लेने का निश्चय। रानी लक्ष्मीबाई की बाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी लक्ष्मीबाई को दुख इस बात का है कि उन्हें सेना के बड़े योद्धा राव साहब बादा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल है। यानी कि ये जो नवाब है, रघुनाथ राय आदि जो महान जो योद्धा है, वो सब अब इसी समय क्यों विलासा में डूबे हुए हैं, ऐसे क्यों घबरा के बैठे हुए हैं, ऐसा लक्ष्मीबाई सोचती है। फिर वहाँ तात्या वहाँ का जो सेनापति था, तो तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयार न करवे ब्रह्म भोजन में लगे हुए हैं। यानी कि तात्या सेना का सेनापति था, तो उसने अपनी सेना में भी जो बल शक्तियाँ देनी चाहिए, वो ट्रेनिंग हम ट्रेनिंग बोलते, वो नहीं देता हुआ है और वो ब्रह्म भोजन में लगे हुए हैं। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर जूही और मुंद्रा जो है रानी की जो सेना में स्त्री सेना, तो उसमें जूही है और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखिया है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है, नर्तकी यानी कि वो नृत्य करती है, नर्तकी यानी कि नृत्य, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है, उसे भी अपने प्रेम से अधिक स्वराज प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। फिर पेशवा की हार पर दुखी रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। रानी कहती है, ये अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आँख खुलेगी। फिर युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है रानी लक्ष्मीबाई सेनापति तात्या को। युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देते हुए वह कहती है, जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झनकार से स्थान पर तोपों का गर्जन होनी चाहिए। नुपुर यानी कि पायल की झनकार की जगह वहां तोपों की गर्जना होनी चाहिए। फिर रानी फिर भी चिंतित है। रानी को ऐसा लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो। यानी कि उसको रानी को यही डर है कि मेरी वीरता, मैं हारूँ या जीतूँ, पर मेरी हार में भी ऐसा कोई कलंक ना हो जिसे दुनिया में लोग जीवन भर याद रखें। ऐसा कोई कलंक नहीं, मैं ऐसी वीरता से मरना चाहूँगी। फिर उसे बाबा गंगादास की वाणी याद आती है। लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज नहीं मिलता। स्वराज मिल सकता है स्वराज प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज की नींव का पत्थर बनना, लक्ष्मीबाई जूही मुंद्रा आदि स्वराज की नींच के पत्थर ही बन जाना चाहते हैं। तो इस कहानी में हमें बहुत अच्छा कहा गया है, समझाया गया है कि इसके द्वारा
जो लेखक है उन्होंने यहाँ स्त्रियों की शक्ति भी बताई है या इस कहानी में, इस लेखक जो नाट्य पार्ट हमको दिया है उसमें हमें स्त्रियों की वीरता और उनके साहस के बारे में भी बहुत कुछ समझाया गया है। तो इस लेसन के शब्दार्थ, पहले आपको लेखक परिचय लिखना है, फिर उसके बाद उनके शब्दार्थ लिखने हैं और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर लिखना है। ओके, थैंक यू, बाय।